हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आवर मैजिकल किचन। आज फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी टेस्टी डिश जो सर्दियों में खासा बहुत ही स्पेशल होती हैं। आज हम बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप विद ब्रेड बिस्किट्स, बहुत ही टेस्टी यमी एंड क्रंची बिस्किट्स के साथ, जिसके लिए आपको बाहर से सूप स्टिक्स लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसका इसमें हम बहुत ही कम बटर एंड ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे फ्रेश टोमेटोज। यहाँ मैंने एकदम रेड देसी टोमेटो लिया है और इस तरीके से इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, यानी कि स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जब हम इसे कुक करेंगे तो छोटे टुकड़े आसानी से गल जाते हैं और इजीली कुक हो जाएंगे, इसलिए हमने इसे बारीक चॉप किया है। कई लोग इसे कुकर में भी बनाते हैं, बट हम इसे आज बनाएंगे पैन में, यानी कि कढ़ाई में, जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्टी होगा। हम इसमें डालेंगे सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स और यहाँ हम लेंगे एक पैन। पैन में हमने डाला है बटर, करीबन एक टेबलस्पून बटर मैंने यूज़ किया है। और अब इसमें हम डालेंगे चॉप जिंजर, यानी कि अदरक। करीबन एक इंच अदरक को हमने बारीक चॉप कर लिया था और इसे करीबन एक से डेढ़ मिनट हम सौते करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा और पूरे सूप में जिंजर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो हमने चॉप करके टोमेटोज रखा था उसे भी हम इस पैन में ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी बना पाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी टोमेटो सूप घर में बहुत ही आसानी से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। मैंने करीबन एक चौथाई चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, जिससे कि कुकिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है और टमाटर हमारे जल्दी जल्दी गल जाएंगे, इसलिए हमने टमाटर में नमक का इस्तेमाल किया है स्टार्टिंग में ही। और अब हम इसे कुक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। करीबन 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें बीच बीच में। और ये देखिए किस तरीके से टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल रहे हैं। और अब हम इसे ढककर करीबन 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से कुक करेंगे। और ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर। और ये देखिए यहाँ हमने ऐड किया है टोमेटो केचप, जी हाँ टमाटर सॉस, जिसका इस्तेमाल हमने 3 से 4 चम्मच किया है इस सूप में। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टैंगी और टेस्टी होगा। रेस्टोरेंट में अक्सर ये मिलाया जाता है। और यहाँ हमने लिया है 2 चम्मच चीनी, यानी कि शक्कर, और उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिया है 1/4 चम्मच गोलकी पाउडर और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ हम एक कॉर्नफ्लोर की घोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नफ्लोर की स्लरी, इसमें मैंने करीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है 1 चम्मच भर कर, और उसमें पानी डालकर उसका एक पतला सा बैटर यानी कि घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके का। और अब हम अपने सूप में इस स्लरी को यानी कि इस घोल को ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में आपको इसका रंग थोड़ा सा फीका लगेगा स्लरी डालने के बाद, लेकिन जैसे ही ये और कुक होगा बिल्कुल रेड कलर इसका निखर के आएगा। हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं ऐड कर रहे हैं। जनरली लोग आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कोई कलर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये देखिए करीबन 1-2 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो गई। इस तरीके से आप जब भी कढ़ाई में बनाते हैं तो बीज और छिलके इसमें साथ में नहीं पिसते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ये देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर यानी कि छलनी और उसकी मदद से इसे कम्प्लीटली अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने में आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने इसमें आपको दिखाया है एकदम बारीकी से, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेन आउट कर लें। स्टार्टिंग में मैंने स्पैचुला से या चम्मच से आप किसी भी चीज़ से इस तरह घुमाते रहें, जिससे कि इसका लिक्विड सारा नीचे आ जाए और जो सॉलिड पार्ट है उसे हम
लेटर ऑन दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरीके का बड़ा चम्मच यूज़ किया है हमने, और इसके बॉटम से हम इसे रगड़ कर जो इसका पल्प है उसे भी स्ट्रेन आउट कर लेंगे। रफेज यानी कि बीज और छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आएगा। बहुत लोग कुकर में बनाते हैं पर ये टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हमारा निकला है रफेज, इसे हम कर देंगे साइड। और ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर लें बटर, अपने मनपसंद क्वांटिटी में बटर या घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा और कुक करना है करीबन 1 से 1.5 मिनट, ताकि मैं इसे बिल्कुल सर्व कर सकूँ फटाफट से। आइए जब तक ये 1-2 मिनट के लिए कुक हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं बिस्किट्स। सबसे पहले हमने लिया है ब्रेड स्लाइसेस, 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ, और उसके साइड्स को हम इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे ये देखिए, और इसके लंबे लंबे रेक्टेंगल शेप्स कट कर लेंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर क्रिस्प करारे एकदम बढ़िया टेस्टी बिस्किट सूप के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको मार्केट से बिल्कुल भी ब्रेड स्टिक्स यानी कि सूप स्टिक्स लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर अप्लाई करने के बाद सारे ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से इसमें सजा लें। गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके से अपर साइड में भी हम बटर अप्लाई कर देंगे और इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखें, लो टू मीडियम, ताकि ये क्रिस्प बने। हाई फ्लेम में ये सॉगी हो जाएगा और क्रिस्प नहीं बनेंगे। अच्छे तरीके से बटर अप्लाई करें। जनरली लोग ब्रेड स्लाइसेस को ऑयल में फ्राई करके यूज़ करते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड टेस्टी होगा। ये देखिए चारों साइड से ये बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए वाव, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी। तो इन्जॉय करें इस विंटर्स ब्यूटिफुल से टेस्टी एंड डिलीशियस यमी सी रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप के साथ, और घर में ही बनाएं ब्रेड स्टिक्स जो कि इसके साथ बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो झटपट से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें। यहाँ हमने फ्रेश मलाई ली है जो दूध में निकलती है, और उसे हमने अच्छा सा फेंट लिया हल्का सा चम्मच की मदद से, और एक पाइपिंग बैग में डाल दिया सो दैट हम इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकें, प्रेजेंटेबल बना सकें। तो बस अब हम इसमें कर देंगे फटाफट से डिज़ाइनिंग, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव और डिलीशियस लगेगा। तो ठंड के मौसम में शाम का आनंद लें घर बैठे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक टोमेटो सूप एंड ब्रेड स्टिक्स के साथ। गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को करना चाहते हैं फॉलो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और शेयर करें हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, स्टे हेल्दी।